अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्ना टर्मिनल, और मैंने फ़्लाई किया है एम्स्टरडेम से। एम्स्टरडेम से मैंने पिकासस एयरलाइन ली है जो कि एक बजट एयरलाइन है, और 448 यूरो का मुझे टिकट पड़ा है। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ अपने शहर हैदराबाद। मेरी गाड़ी आने वाली है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये है कि यहाँ पे प्राइवेट कार हायर करनी पड़ती है जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपए आपसे लेगी, जो कराची से आपको हैदराबाद तक पहुँचाएगी। डेट है 14 दिसंबर, और जो सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। जाके हैदराबाद का मौसम देखते हैं, हैदराबाद का मौसम कैसा है। ये आमिर भाई आ गए, ये मुझे लेके जाएंगे हैदराबाद से। आमिर भाई रेडी हैं हैदराबाद के लिए? ₹270 चार्ज करते हैं। तो सुपर हाईवे में मौजूद हूँ, उस्मानिया रेस्टोरेंट है ये, जहाँ हम चाय पीने के लिए आए। देखे इधर चाय बन रही है, ताज़ी ताज़ी चाय बनेगी और हम चाय पियेंगे। अब्दुल गनी अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाय बना लेते हैं, आप क्या बनाते हैं? ये आ गई चाय, ये देखें आप गरम गरम चाय देखें भाई प्याले में, और ये दूध की मलाई इसके अलग से ही नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। वाह जी वाह। अच्छा जी, दो चाय के कितने पैसे हो गए? 80 रुपये हो गए, ठीक है। फिर मुलाकात होती है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आप कराची एयरपोर्ट से हैदराबाद तक प्राइवेट टैक्सी हायर करें और वो 3500 तक में आपको हैदराबाद तक आपके घर तक पहुंचा देगी। कराची से हैदराबाद का सफ़र जो है तकरीबन 125 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। रोड अच्छा है, बुरा नहीं है। 120 की स्पीड यहाँ पे अलाव है इस हाईवे पे जो मैं आपको दिखा। ये हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। वजह तो कया मान न्यानिन जी गाल पर दिस सिटी हैदराबाद इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हैदराबाद, दिस इज माय सिटी हैदराबाद, दिस इज हैदराबाद। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है। 2.1 मिलियन की पॉपुलेशन है हैदराबाद की। 3 तहसील लगती हैं इसके अंदर, कासमाबाद, लतीफाबाद और हैदराबाद सिटी। मैं मौजूद हूँ इस टाइम हैदराबाद सिटी में। तो आज हम मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं हैदराबाद सिटी के लिए। हैदराबाद सिटी जो है वो बहुत कंजस्टेड है, बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत नैरो रोड है। तो हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं वहाँ पर और थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं हैदराबाद सिटी का। आ जाए मेरे साथ। हम जो है हैदराबाद सिटी का हम मोटरसाइकिल ट्रिप कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं हैदर चौक, यहाँ पे सब कुछ बंद होता है जुम्मे के दिन। मैं हूँ इस टाइम हैदर चौक पे। हैदर चौक बहुत बिजी यहाँ का चौक है, ये हैदराबाद सिटी में है और उस साइड से गुल सेंटर कासमाबाद की हुसैनाबाद की तरफ जाता है। ये जो रोड है ये नया पुल और सब्जी मंडी, नया पुल वैसे वो बहुत पुराना है लेकिन उसका आज भी नाम नया पुल है, उधर जाता है रोड। उधर रेलवे स्टेशन भी है, हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी है। चलो उधर लेके चलता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ हैदराबाद रेलवे स्टेशन। बड़ा मज़ा आ रहा है मोटरसाइकिल में। पाकिस्तान में हैदराबाद में चलती है। ये है रेलवे स्टेशन हैदराबाद। बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक जरिया है यहाँ पर हैदराबाद के लोगों के लिए, वो है ट्रेन। अगर वो शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो ये सेंट्रल स्टेशन है हैदराबाद का। सेंट्रल स्टेशन हैदराबाद का है और यहाँ पर हजारों लोगों की फुटफॉल है और लाखों लोग रोजाना यहाँ से सफर करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी हेरिटेज को रखा हुआ है जो कि अभी तक मौजूद है, क्योंकि इनका ख्याल नहीं रखा जाता तो इस वजह से तबाह बर्बाद हो जाती है। वो है वन एंड ओनली पक्का किला, सिंध यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है।
मौजूद हूँ पोट्री ब्रिज पे। 19th सेंचुरी यानी 1900 में ये पुल बना है, और इसकी खास बात यह है 1931 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि रिफर्बिश किया है, और आज इसको बने हुए 120 ईयर्स हो गए। पुल की बीच में देखें आप रेलवे ट्रैक है, और ये है दरियाए सिंध की रेत दरिया, और ये ईदगाह मॉस्क में, ईदगाह यहाँ की बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मॉस्क है, मस्जिद है यहाँ की, जहाँ पे ईद की नमाज़ होती है। मैं बचपन से इस ईदगाह को देखता आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत इसकी कंस्ट्रक्शन है। हैदराबाद में जो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कोई खूबसूरत चीज़ है वो है हैदराबाद ईदगाह। न्याज स्टेडियम बिल्कुल इसके बराबर में है। हैदराबाद में ज़ू है, उसका नाम है रानी बाग, रानी बाग के बिल्कुल बराबर में ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके न्याज स्टेडियम है। यहाँ का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, एक ज़माने में वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे। सिंध म्यूज़ियम जो कल्चरल सेंटर है सिंध का, तो हैदराबाद जो है वो ट्रांजिट है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ का, यानी कि यहाँ पर इंटीरियर सिंध बराबर में लगता है और हैदराबाद सिटी है, और फिर उसके बराबर में कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। तो इस हवाले से इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कम्यूटर टाउन भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जॉब्स वगैरह करने कराची जाते हैं। ये है मशहूर ज़माना हिल टॉप चाड़ी। हिल टॉप चाड़ी जो है वो हैदराबाद सिटी का हिस्सा है। इधर अभी रिसेंटली इन्होंने ये एक शॉपिंग सेंटर बहुत बड़ा बनाया है, और उसके साथ साथ उन्होंने सारी वॉल्स वगैरह पेंट किए हैं, बहुत खूबसूरत कलरफुल उन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं दीवार पर। ये मैं 7 नंबर फ्लाईओवर पे खड़ा हुआ हूँ। ये जो है फ्लाईओवर लतीफाबाद और हैदराबाद सिटी को अलग अलग करता है। तो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो आप ये जगह देख रहे हैं ये है लतीफाबाद हैदराबाद, लतीफाबाद, लतीफाबाद 7 नंबर, ये आ गया लतीफाबाद 7 नंबर। मुकी हाउस हैदराबाद में मौजूद हूँ, ये एक म्यूज़ियम भी है। 2020 में इसको एक म्यूज़ियम का दर्जा मिला, 1920 में यहाँ पे तामीर की गई। जवाहरलाल नेहरू विद मुकी फैमिली एट मुकी हाउस हैदराबाद 1944 में। आज मैं हूँ रक्षा वाला, और मैं आपको हैदराबाद की सैर करा रहा हूँ। चले अच्छा चलाते हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्रिकेट का क्रेज है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हैदराबाद की खास बात ये कि ये लड़के हैं यहाँ पर रोड पे किसी सुनसान जगह पे आके क्रिकेट खेलते हैं। फील्डर देखें कहाँ कहाँ फील्डर खड़े हैं, ये फील्डिंग हो रही है, वहाँ फील्डिंग हो रही है, वो फील्डिंग हो रही है, वहाँ फील्डिंग हो रही है।